कोरोना संक्रमण को रोकने और पहचान करने के लिए सदर तहसील में 5 जगहों पर आरोग्य सेतु ऐप का बूथ स्थापित करवाया गया है। जो भी व्यक्ति तहसील में आ रहा है उसको पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने की अपील की जा रही है। इस संबंध में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आरोग्य सेतु के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोक पाएं और कोरोना संक्रमण की पहचान कर पाएं। जैसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं उससे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे रेड जोन में आता है या कोई हॉटस्पॉट से आया है तो उसको हम ट्रेस करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए इसके बारे में भी बताया गया है और आरोग्य सेतु ऐप से यह भी पता चल जाएगा कि कैसे हम लोगों को मूवमेंट होता है। GPS और ब्लूटूथ के माध्यम से यह कनेक्टेड होता है तो हमारे लिए और हम सभी के लिए कोरोना के लिए ये जंग छिड़ी हुई है उसे जीतने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। हम इसके माध्यम से कोरोना को रोक सकते हैं इसको देखते हुए और इसके बारे में बताया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा फेसबुक पे जाएं तहसील सदर के फेसबुक पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। तहसील सदर के फेसबुक पे जाएं और उस पे जो है डाउनलोड ठीक है। हाँ ऐस कीजिए मोबाइल नंबर डालिए। अच्छा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए सूचना आपको इससे ये हो रहा है कि जैसे पब्लिक सुरक्षित रहे अपने से उससे जानकारी हो जाएगा कि आपके पास में जब खुला रहेगा आपके पास में वो कितने दूर की एरिया। देखिए भारत सरकार के द्वारा ये आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। इस सब का पर्पज ये था कि आरोग्य सेतु के माध्यम से हम कोरोना संक्रमण को रोक पाएँ और कोरोना संक्रमण की पहचान कर पाएँ। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे रेड जोन से आया हो या किसी कंटेनमेंट जोन से आया हो या किसी हॉटस्पॉट से आया हो तो उसको हम ट्रेस करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया गया है और आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा यह भी हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा मूवमेंट होता है। GPS और ब्लूटूथ के माध्यम से ये कनेक्टेड होता है तो हमारे लिए सभी के लिए कोरोना के विरुद्ध जो जंग लड़ी हुई जो हमने छिड़ी हुई है इसमें जीतने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो इसको रोकने में हमें मदद कर सकता है। तो तहसील सदर में हमने 4-5 ऐसे कैनोपी बनवाए हैं तो तहसील सदर के गेट पे हमने ये कैनोपी एक लगवाया है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ से आ रहा है तो सबसे पहले हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हो इंस्टॉल किया हो। तो ऐसे ही हमने मेडिकल कॉलेज पे पेडलेगंज में भी कैनोपी बनाए हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करवा रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप का क्या पर्पज़ है और इसको ऐप को इंस्टॉल करके आप कोरोना के विरुद्ध जंग में हमारा साथ दे सकते हैं। तो इस आप लोगों के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं है कृपया करके आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।